सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन 10 से 15 दिन पहले मेरी एक ये फिंगर में सुई लग गई थी काम करते हुए। यहाँ पे जैसे मैं काम कर रहा था तो इसमें यहाँ पे मेरी सुई लग गई, तो इसी के बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो दिक्कत और जो परेशानी मैंने उठाई है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो इस दिक्कत से बचें। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं, इस चीज़ को नॉर्मल ले लेते हैं। जो सुई तकरीबन मेरे फिंगर में पहले भी लगी है, 5 से 6 बार पहले भी लगी है, साल 2 साल 3 साल में एक बार लगी जाती है। लेकिन जो है इस बार मैंने एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, मतलब जो इसमें दिक्कत आई है, जो परेशानी आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि कभी भी आपको ऐसे कुछ हो जाए। निडल ये जो सुई है ये कभी भी लग सकती है। कई बार क्या होता है कि हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं तब लग जाती है। वैसे हमें काम बहुत ही सोच समझ के और नॉर्मल तरीके से करना चाहिए, जल्दबाजी में हमें काम नहीं करना चाहिए। फिर भी कई बार दिक्कत हो जाती है, या हाथ फिसल जाए, या जैसे हमारी मोटर वाली मशीन होती है उसका पंजा जो होता है डायरेक्ट हो जाता है, तब ये सुई लग जाती है। जो मेरे ये सुई लगी है, जो मशीन का हमारा पंजा होता है जिससे मोटर चलती है, वो डायरेक्ट होने की वजह से मेरे ये यहाँ पे सुई लगी है। लेकिन इसको मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है कि जैसे कोई बात नहीं, पहले भी लगी है तो कोई बात नहीं, लगी तो लगी। इसमें क्या हुआ था, मेरे यहाँ पे जैसे ये सुई मैं आपको बताऊंगा, ये सुई यहाँ पे इस तरीके से लग गई और मैंने ये निकाल दी, ये सुई इसमें आधी रह गई थी और टूट गई थी, तो मैंने प्लास की सहायता से इसको खींच के निकाल दी और इस पे मशीन का तेल डाला, ये वाला इस फिंगर पे, और मशीन का तेल डालने के बाद मैं इस पे कपड़ा लपेट के अपने नॉर्मल काम करने लगा। फिर मैंने हफ्ते तक इस पे बैंडेड रखी, बैंडेड लगा के रखी तकरीबन 7-8 दिन तक, और नॉर्मल काम करता रहा। इसमें कोई दर्द नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें अचानक ही अपने आप ही दर्द होनी शुरू हो गई और इसमें से एक दिन ब्लड निकला। ब्लड निकलने के बाद मैं इसमें देखता रहा कि ये हुआ क्या, ये तो बिल्कुल ठीक थी, ना कोई दर्द था ना कुछ था। हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को नॉर्मल ले लेते हैं, इसको आपने बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना है। इसको ज़रूर आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और एक बार दिखाना है कि ये मेरे इस तरीके से काम करते हुए निडल लगी है, तो इसके बारे में आपने ज़रूर सलाह लेनी है। क्योंकि ये चीज़ हमारी मेन होती है, कोई भी अंग हो, शरीर का कोई भी अंग हो, वो मेन होता है शरीर का अंग, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल गलत बात है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने इसको चेक किया तो इसमें सुई का हल्का सा कण रहता था, जिसकी वजह से 2-3 दिन तो दर्द हुई नहीं, उसके बाद मेरे दर्द होनी शुरू हो गई। तो फिर आगे का हिस्सा उन्होंने कटिंग करके वो कण निकाला और उसके बाद ये पट्टी की अच्छी तरीके से, और मेरे इंजेक्शन वगैरह लगे जो भी, इसको पहले तो सुन करने का इंजेक्शन लगा, इसको सुन करने के बाद उन्होंने इसकी कटिंग की और उसके बाद इसमें थोड़ी शांति मिली। अभी ये बिल्कुल ठीक है, दर्द कोई भी नहीं है इसमें। मैं आपको ऐसी एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसी के बारे में, आपने जो सुई यूज करनी है वो कंपनी की यूज करनी है, जैसे ऑर्गन की, ये मैं ऑर्गन की सुई यूज करता हूँ। कई बार क्या करते हैं, हम 2-2.5 रुपए वाली निडल ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, जो वो निडल होती है वो उसमें जंग होता है, और जो ये वाली निडल होती है इनमें जंग बिल्कुल भी नहीं होता। ये 8 से 10 रुपए की निडल मिलती है एक ऑर्गन की, ये कंपनी है और ये सबसे सही, और इसमें काम में भी सफाई होती है और वैसे भी क्वालिटी वाइज इसकी, अगर ये लग भी जाए तो इससे इन्फेक्शन नहीं होता है इस वाली सुई से। और जो दूसरी सुई होती है लोकल,
अगर वो लग जाएं तो उससे इन्फेक्शन होगा ही होगा, ये पक्का है। तो आपने ओरिजिनल सुई यूज करनी है, और कभी भी आपके पास अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो, कई बार हो जाता है, तो आपने साथ के साथ आपने सुई को निकाल के और डॉक्टर के पास जरूर जाना है, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। आज की वीडियो मेरी यही थी दोस्तों, क्योंकि जिस परेशानी से मैं 8 से 10 दिन से जूझ रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो इस दिक्कत से ना जूझे। तो आज की वीडियो मेरी यही थी।